सदर बाजार के रोहता क्षेत्र में ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक का ब्रांच है, जहां तकरीबन 5:15 बजे सूचना मिली है कि कुछ 4 लड़कों के द्वारा बैंक के अंदर घुस गए हैं और इनके पास जो कैश काउंटर पे और जो इनके चेस्ट में पैसे हैं जो तकरीबन करीब 56 लाख के आसपास हैं वो लेकर चले गए हैं। और तत्काल ही सूचना पर हम सभी अधिकारी आए हैं, एडीजी महोदय आईजी महोदय के द्वारा भी निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। यहाँ आसपास जो सीसीटीवी है और अन्य चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। हमने तकरीबन जो है आसपास के 6 थाना प्रभारी समेत जो है कुल 10 टीमें बना दी हैं। कुछ जो डिटेल बातचीत चारों स्टाफ से की गई है, जिसमें लड़कों के हुलिया और लड़कों के भाषा आदि के बारे में जानकारी की गई है, जिससे कुछ क्लू हमें निकल रहे हैं। अभी टीमें सबको कार्य वितरण करके लगा दिया गया है। मैं समझता हूँ फिर हम लोग हर एक 2 घंटे पे इसको रिव्यू करते रहेंगे और कुछ ना कुछ सूचनाएं जो अभी मिली हैं उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र जो है इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जिले की सीमाएं भी सर माना जाए कि सील कर दी गई है बदमाशों की तलाश में? देखिए, जो घटना के तत्काल बाद जो है जो जिले की और शहर की जो चूँकि आउटर है तो आउटर की जो सीमाएँ थी उसको सील कर दी गई थी। और चूँकि शुरुआत में इन्होंने बताया नहीं था कि किस प्रकार से किस साधन से ये आए हैं और किस साधन से गए हैं, जिसको हम लोग अभी फाइंड आउट हमने सीसीटीवी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उन सभी के लिए चेकिंग की व्यवस्था करा ली गई थी। बॉर्डर जो हमारे थे वो सील थे, टोल पे सभी जगह चेकिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और जो हुलिया मिले हैं जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो पूछताछ में जो पुलिसकर्मियों ने बताया है कि 2 लड़कों के पास तमंचा थे और 2 लड़कों के पास चाकू थी, तो उस हिसाब से और उनकी जो बातचीत है जो भाषा थी जिस प्रकार की उसको डिटेल आउट किया है, जो हुलिया था जिस प्रकार का उसका हाइट वेट और देखने में या कोई स्पेशल कोई चिन्ह निशान थे, उन सभी को नोट डाउन करके हमारी टीमें लगी हुई हैं कि उस प्रकार के जो भी अपराधी पूर्व में आइडेंटिफाई हुए हैं उन पे हमारी टीमें जो हैं जा रही हैं और कार्रवाई कर रही हैं।